बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 1454 छात्र सफल हुए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता टॉपर बने हैं। दूसरे स्थान पर सुपौल के विद्यासागर और तीसरे स्थान पर अनुराग आनंद रहे हैं। पटना जिले के फतुहा निवासी ओम प्रकाश गुप्ता बीपीएससी में पहला रैंक लाकर टॉपर बने हैं। ओम प्रकाश ने फतुहा के सरकारी स्कूल SKMD से पढ़ाई की है। इसके बाद अपना मुकाम हासिल किया। पहले ही चांस में JEE एडवांस में सफलता प्राप्त कर सभी को चौंका दिया था। IIT रुड़की से वर्ष 2008 से 12 तक बीटेक किया। इसके बाद लगातार 5 साल एकेडमिक संस्थान में शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। इसके बाद एकाएक बिहार BPSC में पहले ही चांस में सफलता अर्जित कर सभी को चौंका दिया। बिना किसी संस्थान की तैयारी के खुद से पढ़ाई कर पहला स्थान प्राप्त किया है। इनके पिता विंदेश्वर प्रसाद साव और माता सूर्यवंती देवी की किराने की दुकान है। ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं। BPSC 64वीं मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। राज्य के 24 विभागों की विभिन्न सेवाओं संवर्गों के लिए कुल 1465 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। इसमें से विभिन्न विभागों में अनारक्षित कोटे के कुल 11 पदों को रिक्त रखा गया है। अन्य 1454 पदों पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। BPSC के इस भर्ती परीक्षा के लिए 4,71,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आयोग द्वारा दिसंबर 2008 में हुई प्रारंभिक परीक्षा में करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे। वहीं BPSC 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 18,534 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 15,800 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। BPSC मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट 16 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, जिसमें 3799 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस प्रकार साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन आदि के बाद 1454 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।